सो समन रिसेंटली आस्ट मी कि मेरी लाइफ में पर्सनली मेरे बिग बॉस कौन है तो मैं ये बताना चाहता हूँ सबको कि मेरे ही नहीं आई थिंक पूरी दुनिया में सबके बिग बॉस सिर्फ़ एक हैं वो है भगवान जो भी लोग मुझे जानते हैं मेरी सोशल मीडिया फॉलो करते हैं अगर या या मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो उनको पता है कि मैं श्री राम जी का कितना बड़ा भक्त हूँ और कितने दिल से उनकी रोज़ पूजा करता हूँ तो मुझे ये विश्वास है कि बिग बॉस के घर के अंदर भी मेरे साथ मेरे राम जी का आशीर्वाद उनकी छाया हमेशा मेरे साथ चलेगी और मुझे वो कभी कुछ होने नहीं देंगे वहाँ पर सलमान खान सर एज अ होस्ट आई थिंक ही इज वन ऑफ द कूलेस्ट पीपल आई एवर कम अक्रॉस एंड बिग बॉस के लिए सलमान खान से बेटर होस्ट आई थिंक ना कभी बने हैं ना कभी बन पाएंगे बिकॉज क्या अमेजिंग स्वैग है उनका क्या पर्सनैलिटी है उनकी एक बड़ा प्यारा सा लवेबल इनोसेंस चाइल्ड लाइक इनोसेंस है और जिस तरह से वो हर एक पार्टिसिपेंट एक कंटेस्टेंट की जो जर्नी चल रही है घर के अंदर उसमें जिस तरह से वो इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं आई थिंक दैट इज़ जस्ट ब्यूटिफुल कहीं से लगता नहीं कि वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं ऐसे लगता है कि वो हमारे साथ हमारे मेंटोर हैं जो हर हफ्ते आके हमको बस गलत और सही बताते हैं कि कौन सही जा रहा है कौन गलत जा रहा है एंड हु नीड्स टू चेंज देयर गेम सो आई थिंक आई थिंक इट्स कॉन बी अमेजिंग सलमान सर के साथ स्क्रीन शेयर करना विल बी एन अमेजिंग ऑनर एंड उनके हाथ से ट्रॉफी लेना उससे भी बड़ा ऑनर होगा बिग बॉस इज अ प्लेस जहां मेंटल स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत पड़ती है क्योंकि वहां पर कई बार लोग आपके साथ बहुत पर्सनल बहुत ही घटिया बिहेव करते हैं तो मुझे बस ये कहना है कि वन नीड्स टू रिमेंबर जस्ट वन सिंगल फैक्ट दैट द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग वो इंसान सामने वाला हो सकता है अपना अपना नीचपना अपना घटियापन दिखा रहा हूं लेकिन आपको उसके लेवल पर जाने की जरूरत नहीं है रेज योर वॉइस सेव योर सेल्फ रिस्पेक्ट सेव योर फैमिलीज रिस्पेक्ट सेव एवरीबडी दैट यू केयर फॉर उन सबकी रिस्पेक्ट को तो आप बचाइए अगर कोई बदतमीजी कर रहा है कोई घटियापन पे आ रहा है तो रेज योर वॉइस बट डोंट लोअर योर स्टैंडर्ड्स यह याद रखना क्योंकि जनता देख रही है और उनके वोट बताएंगे कि कौन सही है और कौन गलत बिग बॉस के घर में बड़े सारे टास्क होते हैं बड़े सारी ड्यूटीज होती हैं वन पर्टिकुलर ड्यूटी दैट आई एम एक्साइटेड फॉर इज़ द किचन ड्यूटी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि uh, मुझे किचन में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और यहाँ बिग बॉस में आने से पहले मैंने जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करी आई रियलाइज्ड दैट मुझे कुकिंग बहुत अच्छी लगती है आई मीन आई फील लाइक आई एम इन सम का मेडिटेटिव जोन मुझे बहुत आराम कामनेस फील होती है जब मैं अपने हाथों से कुछ बनाता हूँ और फिर सबको खिलाता हूँ जो भी मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं तो मैं चाहता हूं कि मुझे किचन ड्यूटी बहुत मिले ताकि मैं अपने आप को एज अ वेरी पॉलिश कुक इन चार महीनों में बना लूं। माय स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटी एज अ कंटेस्टेंट इन द बिग बॉस सीजन 14 वुड बी माय ऑनेस्टी मैं जो हूं जैसा हूं मुंह पे हूं सच्चा हूं सामने हूं बिहाइंड द बैक मैं बिचिंग नहीं करता हूँ मुझे मैनिपुलेशन पसंद नहीं है मुझे पॉलिटिक्स खेलना आता नहीं है लेकिन जो खेलते हैं उनको पहचानना ये ज़रूर आता है मुझे इसीलिए बच के रहना That's all I'll say. Oh